दोस्तों नमस्कार, मैं अभिलाष अवस्थी अपने थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जिस ढंग से आदमी जीवन भर काम करता है और उसके जीवन में सौभाग्य के कुछ ही पल आते हैं, जिसे बोलते हैं भाग्योदय का, उसी तरीके से राजनीति में भी है। राजनीति में भी आदमी पूरे जीवन काम करता है, पार्टियां पूरे वर्ष काम करती हैं, कई कई वर्ष काम करती हैं, लेकिन अचानक ही कभी किसी व्यक्ति को टिकट मिल जाता है और अचानक ही कभी कभी राजनीतिक दलों को एक बड़ा मुद्दा मिल जाता है और उस राजनीतिक दल को उस मुद्दे को समझना, उस मुद्दे को लपकना, उस मुद्दे की विवेचना करना और उस मुद्दे को आम जनता से जोड़ना। जैसे बोफर्स की बात मैं करूं तो बोफर्स का मुद्दा उस समय, मैं थोड़ा इसको और एक दो पॉइंट्स के साथ डिटेल करूं कि भारतवर्ष में जब भी सरकारें गई हैं तो उनमें अधिकतर आर्थिक मुद्दे ही रहे। अब बोफर्स के मुद्दे पर राजीव गांधी चुनाव हारे थे, उनपे बोफर्स का बाद में तो उनको क्लीन चिट भी मिल गई थी। अमिताभ बच्चन के ऊपर इल्जाम लगा था कि वो स्विस बैंक में पैसा जमा किया, बोफर्स का ये किया वो किया, तो वो बोफर्स के मुद्दे पर राजीव गांधी हार गए। और मनमोहन सिंह किस मुद्दे पर हारे? वो हारे 2G 3G कोलगेट के मुद्दे पर, वो भी आर्थिक मुद्दे। नरसिम्हा राव के समय भी, नरसिम्हा राव जो संकट में आए वो क्यों आए? वो हर्षद मेहता का जो सूटकेस कांड था, आर्थिक उसमें रुपए भर के दिए, ये सब कांड से वो हारे चुनाव। तो भारतवर्ष की जनता बहुत ही संस्थी है, वो कहती है आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, मेरे ऊपर दो काम मत करो। पहले तो मेरे ऊपर तानाशाही मत करो, इमरजेंसी में इंदिरा गांधी को हटा दिया था, और दूसरा हमारा पैसा मत चोरी करो। देश का पैसा, इस देश की जनता समझती है कि हमारा पैसा। तो भारतीय सरकारें जो हमेशा आर्थिक मुद्दों पर और आर्थिक अपराधों पर गई हैं, आज फिर वैसा ही वातावरण देश में बन चुका है। मित्रों, इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा, अब कायदे से मैं अगर हंस के बोलूं तो अरुण जेटली मर चलिए, उन्हें श्रद्धांजलि है अर्पित करता हूँ। वो एक वकील थे, इसलिए ज्यादा वो भाजपा के मंत्री थे इसलिए नहीं, क्योंकि वो थोड़ी है, वो नहीं है तो ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो वो एक एडवोकेट थे और भारत के वित्त मंत्री थे। वो जाते जाते नरेंद्र मोदी को एक ऐसे मुद्दे में फांस गए कि आज वो नरेंद्र मोदी पर वो मुद्दा एकदम उल्टा पड़ गया, इलेक्टोरल बॉन्ड का। अब उन्होंने ये उन्हीं की योजना थी। मुझे याद है, मैं दिल्ली महीने में कई बार रहता भी हूँ और कई वर्षों से रहता हूँ पत्रकारिता के जीवन में, तो मैं जानता हूँ किस ढंग से अरुण जेटली ने वो नरेंद्र मोदी को कन्विंस किया था। नरेंद्र मोदी किसी से कन्विंस नहीं होते हैं, लेकिन उनके कुछ गुजराती सलाहकारों से उन्होंने चर्चा करके ये इलेक्टोरल बॉन्ड को हाँ हाँ बोल दिया। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड आज ये सिद्ध हो गया है घूस लेने का, यह एक बैंकिंग का तरीका, बैंकिंग वे ऑफ मतलब क्या कहते हैं, करप्शन। मैं इस पे आप दो दिन से बहुत सुन रहे हैं, बहुत डिटेल में उसमें उसकी प्रक्रिया को मैं नहीं बताना चाहता। मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि अरे भैया विपक्षियों, तुम लोग चिल्लाते हो नरेंद्र मोदी तानाशाह है, ये है वो है, जाने क्या क्या चिल्ला रहे हो। हम लोग भी चिल्ला रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं, हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है, हम जर्नलिस्ट हैं, तो हमारा कहने का तरीका झंडा बैनर वाला नहीं है। लेकिन आपके पास एक ऐसा मुद्दा आया है जिसको लपक कर आप आगे बढ़िए, और ये मुद्दा उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है कि इलेक्शन के 2 महीने पर, अगले महीने इलेक्शन है, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल में पहले जो सेशन की पहले चरण की वोटिंग होगी, अप्रैल में 1-2-3 चरण की मीटिंग और मई में सरकार का गठन हो जाएगा। अब ये वो ऐसा मुद्दा है कि जिसमें
अगर अब आप विपक्षी, अब आप इंडिया अलायंस, अब आप तेजस्वी यादव, अब आप कांग्रेस, अब आप अखिलेश यादव, अब आप ममता बनर्जी, अब आप झारखंड की कल्पना सोरेन, अब आप दूसरे तमाम लोग, जीतू पटवारी या दूसरे जो विपक्ष के नेता हैं, वो अगर अब सक्रिय नहीं हुए, तो जो लाभ आपको सीधा मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी 100 के नीचे चले जाएंगे, केवल इसी। कल ही कई पत्रकारों ने अपने टीवी डिबेट में बोला कि केवल इलेक्टोरल बॉन्ड ने एक दिन में नरेंद्र मोदी की 50 सीटें कम कर, वैसे भी बिचारे 200 के नीचे आ चुके थे, इधर उधर से तोड़ फोड़ कर रहे थे। लेकिन और मैं इंडिया अलायंस के 28 दल हैं, मैं सभी को ये कहता हूँ, कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा निजी है कि देश में एक सेकुलर सरकार होनी चाहिए, प्रेम वाली सरकार होनी चाहिए। इसलिए अब आपके सामने सीधा आ गया है कि ईडी के छापे डलवा कर चंदा लिया जा रहा, वाह वाह वाह, इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? अरुण जेटली का बहुत ही बहुत बेहतर काम था, मतलब वो वकील थे तो वो सेंसफुल जो है, घूस भी ऐसे ही ले सकते हैं, अब वो नहीं है इसलिए उनका नाम अच्छे उसमें लेना चाहता हूं मैं, कि उन्होंने मोदी जी को समझाया होगा कि भाई ईडी का छापा, और ऐसा हुआ भी कई बार, मुझे बड़ा दुख है कि ईडी का जितना दुरुपयोग भारतवर्ष में, ईडी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी और अभी आप, मैं फिर एक केस याद आया मुझे, अभी वो आंध्रा है, केरल के एक जज साहब है, जज साहब के पास एक भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे, ये अखबार की खबर, और वो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, आपके जो दो बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उज्जत साहब के जज हैं, वो रिटायर हो गए हैं, और उन्होंने FIR की है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई उस मेरे पास आए, कहने लगे आपके जो दो बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं उनको वही नौकरी मिल जाएगी, आप हमें 2.5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड आप ले लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब उन्होंने 2.5 करोड़ दे दिए, अब वो साहब का तब से पता ही नहीं है, उन्होंने FIR की, अब वो साहब कहाँ है कुछ नहीं। तो उसी तरीके से राजस्थान में ईडी का कमिश्नर मीणा पकड़ा गया 15 लाख रुपए की घूस लेते हुए, पश्चिम बंगाल में पकड़े गए इसके ईडी के लोग, CBI के लोग, वो झारखंड में कुछ छापे की तैयारी कर रहे थे घूस वगैरह करने की, और बहुत सारी चीजें। ईडी को तो अंडर द, अभी ये भी है इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड में जो ये दिख रहा है ना, ये जो 10,000 करोड़ रुपया पहुंच गया है नरेंद्र मोदी के पास, तो इसमें और कैसे गया है, ये तो खाली दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अब क्या इलेक्टोरल बॉन्ड से जो मुख्य समझ में आया कि ईडी को बेच के घूस ले लो, अब ईडी घूस लेगी तो कैसे लेगी? ईडी मान लो एक कंपनी में गया, राम कुमार कंपनी में, अरे भाई आपका ईडी का छापा है और ये है वो है, तो उन्होंने कहा क्या करें, तो कहने कि आप जो है ऐसा करो 20 करोड़ खर्च करो, तो कहने करते हैं भाई, तो ऐसा 10 करोड़ दे दो, मैनिपुलेशन हुआ, 10 करोड़ में 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड लेके भारतीय जनता पार्टी को दे दो और 5 करोड़ हमें दे दो और हम भी उसको दे देंगे, कहाँ देना है क्या नहीं देना वो क्या बोलते होंगे, वो तो मैं कल्पना भी कर सकता हूँ। तो इलेक्टोरल बॉन्ड ईडी छापे डलवाती है, अपराध करती है, और इलेक्टोरल बॉन्ड से फिर चंदा लिया जाता है, और चंदा लेने के बाद मैं दो चार के ही डिटेल दूंगा, ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, और कल से आप लोग सुन रहे हैं आप लोग खाली यूट्यूब चैनल्स पर, क्योंकि बाकी जो भाड़ोत्तरी, यहाँ एक मराठी का शब्द है भाड़ोत्तरी पत्रकार, जो भाड़े पे काम करते हैं, सैलरी अलग होती, वेतन अलग होता, लेकिन भाड़ोत्तरी पत्रकार हैं वो, तो कुछ बोल नहीं रहे, मैं उनको उनका नाम अभी आगे बताता हूँ। तो इनमें जो सबसे जो 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 इमोशनल, जो आप इंडिया अलायंस के नेताओं भाई सुन लो यार, आप लोग कुछ इमोशनल जाके जनता के बीच में बात करो, 2 दिन से कोई स्टेटमेंट नहीं, अभी शायद राहुल गांधी जब मैं ये
ये बना रहा हूं उस समय राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, उसी तरीके। तो इसमें हुआ क्या है कि कोरोना काल में तड़पते मरीजों के बीच वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, अस्पताल, इन सारों से पैसा वसूला गया है इलेक्टोरल बांड के नाम पर, लाओ इतने करोड़। वो देता हूं लिस्ट भी आप, जो आपको दो दिन में पता ही चल गई होगी, क्योंकि आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है यूट्यूब को सुनने वाले जागरूक हैं और आजकल चैनल से अधिक और यूट्यूब के व्यूअर्स हैं। तो अब बताइए कि वैक्सीन बनाने वाले से नोट लिया और करोड़ों का, अस्पताल जो कोरोना का था उसने उससे धन उगाही किया, आरोप लगाया कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये अस्पताल। अब इससे बड़ा कोई मुद्दा मिलेगा? अब तो नहीं मिलेगा ना, दो महीने पहले मुद्दे पहले भी थे अडानी के। अडानी का मुद्दा राहुल गांधी, महुआ मोहित्रा और संजय सिंह ने उठाया, मगर पूरा विपक्ष नहीं उठा पाया। और जाहिर सी बात थी पूरा विपक्ष अब उठाता मुद्दा, मुझे मालूम है, क्योंकि इस देश में अडानी किसानी और जवानी यानी बेरोजगार युवा यही मुख्य मुद्दा बनेंगे। अब उसके साथ इन्होंने एक तड़का लगा दिया भ्रष्टाचार का, इलेक्टोरल बांड। अब इससे बड़ा मुद्दा आपको इंडिया अलायंस, विपक्ष के नेताओं, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अभी भी विपक्ष अपनी सक्रियता थोड़ा दिखा नहीं रहे हैं, हालांकि हम अपेक्षा करते हैं कि ये अपनी सक्रियता थोड़ी बढ़ाएंगे। और अभी जैसे राहुल गांधी कर रहे हैं तो ऐसे ही अखिलेश यादव, तेजस्वी सब करेंगे। हम पत्रकारों को, जो भारतीय समाज के प्रति जिम्मेदारी, इसलिए हम सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के साथ ही विपक्षी दलों को अवेयर भी करता है, ये भी हमारी जिम्मेदारी कि हम खुद तो झंडा बैनर लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर सकते ना। हम ये कर सकते हैं कि जो विपक्षी दल ये काम करते हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है जनता तक पहुंचना, एक एक वोटर तक पहुंचना, उसको इमोशनली मुद्दे पर आप एक्साइट करिए। बोहर क्या बोला गया था इमरजेंसी में, संजय गांधी ने नशे काट दी, नसबंदी कर दी, एक इमोशनल इशू उठाया और इंदिरा गांधी और अमेठी से संजय गांधी तक आ। तो भारतीय वोटर को भावना से कनेक्ट करने का, अभी उसको लगना चाहिए भारतीय वोटर को कि भी तेरा पैसा नरेंद्र मोदी ने चोरी किया। अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ चोरी, मैंने तो बोल ही दिया, लेकिन ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। सुबह से क्या ट्रेंड कर रहा है सब बताऊ ना, तो मुझे अभी तरस आ रहा है नरेंद्र मोदी। ट्विटर पर इतनी गंदी गंदी गालियां नरेंद्र मोदी को दी जा रही, मैंने देखना ही बंद कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो है तो प्रधानमंत्री, हालांकि प्रधानमंत्री की ड्यूटी तो वो निभाते ही नहीं, वो तो अडानी अंबानी के ज्यादा प्रधानमंत्री। लेकिन फिर भी जिस ढंग से ट्विटर पे उन्हें गालियां दी जा रही हैं, तो मैं यही बोल रहा हूं कि हमारी लोगों की जिम्मेदारी है विपक्षी दलों को अवेयर करना, जागरूक करना, साथ में उन्हें कुछ सलाहें भी देना। हम लोग भी राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं में के साथ हैं, कभी वो हमसे सलाह मांगते हैं, बुलाते हैं, बात करते हैं, हम बोलते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिनकी भारतीय पीछे विचारधारा है, जो देश को सेकुलरिज्म की ओर, प्रेम मोहब्बत की ओर ले जा सकते हैं, उन दलों के लोगों से हम लोग, मुझे पर्सनली मैं बोलता हूँ कि मुझसे वो बात करते हैं, मैं सलाह कहूँ या कुछ भी कहूँ। तो अब संक्षेप में आओ आपको बता दूं, क्योंकि ये वीडियो मैंने विपक्षी दलों और इलेक्टोरल बांड के बीच में बनाने की कोशिश की है कि विपक्षी दलों तुम्हें अब क्या करना है, नरेंद्र मोदी ने तो कर लिया, अब चुनावी चंदे को का, अब आप इसमें कैसा भ्रष्टाचार हुआ है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उन्होंने भ्रष्टाचार देखा, कई साल केस चला, और वो कोई है छिकोरे साहब हैं, मैं सॉरी आप नाक का नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने PIL दाखिल की, ADR संस्था है उसके लोगों ने, और आकर दो दिन पहले आदरणीय CJI चंद्रचूड़ ने ऑर्डर दिया कि आप ये जो इलेक्ट्रल बांड है
ये जबकि उसमें नियम ये है कि इसको गुप्त रखा जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा क्यों गुप्त रखा जाएगा, आप इसका डिटेल आप चुनाव आयोग को दीजिए और चुनाव आयोग 15 तारीख को इसको अपनी वेबसाइट में प्रकाशित कर, इस ऑर्डर को के खिलाफ जो है वो बुलाए गए विदेश से, कौन से वो है वकील अपने, है ना, का नाम मैं बीच बीच में बोलता हूँ, जब से वो जो विदेश जाके बस चुके हैं, लंदन में जाकर बसने लगे, तो तब से मुझे उनसे थोड़ा चिढ़ हो गई। और तीसरी शादी की है तो खैर चलो ठीक है, आपको बधाई है ना, 60-70 के बीच में तीसरी शादी करना, खरी मैं इसके वीडियो की गंभीरता बनाए रखता हूँ, लेकिन सच ही है। तो वो वकील साहब ने जो है लंदन से आकर करोड़ों रुपए की फीस ली, किससे ली, स्टेट बैंक से, क्यों स्टेट बैंक में, मेरा पैसा है, मेरा स्टेट बैंक में काम, मेरा कई बैंकों में काम, मैं जितने अखबारों में संपादक हुआ, हालांकि ये मैं कोई कारपोरेट नहीं हूँ, बड़ा व्यापारी, मेरे कई अखबारों में कई बैंकों में क्यों है, मैं बात निकली तो मैं बता दूं, जितने अखबारों में संपादक रहा, 7-8-9 अखबारों में, तो हर अखबार का मालिक अपनी बैंक के इकट्ठे सारे स्टाफ का अकाउंट खोल देता, तो उसमें मेरे कई अकाउंट खुल गए, है ना, तो मैं तो हालांकि अभी सब अकाउंट खाली होंगे एक आध को छोड़ के। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे का डिटेल चुनाव आयोग को देने का ऑर्डर एसबीआई को दिया। अब एसबीआई ने यहां भी फ्रॉड करने की कोशिश की, एसबीआई ने क्या, फिर उन्होंने बॉन्ड का नंबर छुपा दिया, वो नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है आज सुबह फिर अभी डांट मार पड़ी है, क्योंकि वहां पर स्टेट बैंक का कोई प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए वो सालवे अचानक याद आए, एनकेपी सालवे के बेटे हैं वो, हरीश सालवे, एनकेपी सालवे वही हैं जिनको इंदिरा गांधी ने मंत्री बनाया था, मतलब उनके पिता काफी नामचीन व्यक्ति थे, अब बाकी इनके लिए तो आप कहिए कि क्या कह सकते हैं, है ना। तो अभी इलेक्टोरल बांड का नंबर के लिए आज 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 कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण कोर्ट गए थे, डांट फटकार दी एसबीआई को कि क्यों नहीं दिया, तो अभी एसबीआई को 15 तारीख को फिर आना है, पानी मंडे को, सॉरी मंडे को आना है, और वो आके सफाई देंगे और नंबर भी देंगे, तो और साफ साफ हो जाएगा। वैसे तो बहुत कुछ हुआ इसमें, कितने घोटाले हुए, बहुत घोटाले हुए, मैं कितनी न, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है, अभी मैं क्या कंपनियों के नाम आपको गिनाऊं, 2 दिन से आपको कंपनियों के नाम पता ही चल गए होंगे, फिर भी मैं आपको घोटालों की उन तरफ ले जाता हूं जिसमें भारत की जनता का दर्द छुपा है, जिसमें हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, और यही मैं इंडिया एयरलाइंस के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप ये मुद्दे लेके जाओ जनता के बीच में। बीपी सिंह कहते थे मैं बोफर्स का, मैं जो घोटाला हुआ मैं उसके 10 ट्रक भरकर सबूत लाऊंगा, एक को सबूत नहीं आया, मैंने उनसे पूछा भी था कहाँ है सबूत, तब तक उसके बाद तो वो चूंकि पेंटर अच्छे थे और कवि भी थे, तो मेरी इस वजह से कई कई बार उनसे मुलाकात हुई, हमारे मतलब धर्मयुग में भी, धर्मयुग पत्रिका में मैं था, तो बीपी सिंह, खैर वो अलग बात है, उनका अलग रूप है, मगर उन्होंने कभी कुछ नहीं दिखाया। तो मैं ये विपक्षी दलों को कि भाई आप जनता के दर्द, इसमें जनता का दर्द कहाँ छुपा है, वो तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि एक सीरम कंपनी, कोरोना काल में क्या था, कानपुर से फोन आ रहा है मेरे, अरे भाई साहब क्या हो रहा, पापा मर गए, अब उनको जो कहाँ कहाँ हो, मैं उसको फोन कर रहा हूं, तो कह मैं स्मशान घाट में हूं, मेरा 98 नंबर है, 98, दाह संस्कार करने का भी ना 98 नंबर मिला था, मैंने उसको फोन किया तो उसने, 2 ही लोग गए थे, उनका दोस्त था, तो उन्होंने अपने दोस्त को दिया, बड़ा दुख हुआ हमें, क्योंकि उनके पिताजी से मेरी बड़ी मैत्री रही है। उसके बाद फिर मन नहीं माना, मैंने फोन किया, फोन उनका बाद में आया, उनको बोला कि क्या हुआ, तो कहें बड़ा दुखी था, कहने जी मेरे पिता ने बड़े लाड़ प्यार से पाला, तो सौरभ भसीन उसका नाम था लड़के का, हालांकि पिछले साल पिछले दिनों उसकी भी कैंसर से डेथ हो गई, दुखद। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ वो कि कैसे जनता के साथ, वो अपने अकेला होता बैठा था, कहने कि मुझे बोला कि यहीं जला दो,
अब मैं डर गया कि साहब यहाँ दिला दो, कहाँ कहीं लकड़ी उनसे कहीं दूसरी चिताओं से लकड़ी वकड़ी निकाल के मेरी लकड़ी वो सब करके जला दिया, कैसे आग लगाई। कहीं जीवन भर मैं वो दृश्य नहीं भूल सकता कोरोना काल का। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अरे भैया नरेंद्र मोदी जी महाराज, राम को तो आप तो राम को लाए हैं। अरे जरा वो जो मरे हैं, और मैं वही भसीन साहब की बात बोल रहा हूँ, और श्मशान में जलते वाले 98 लोगों का नंबर की बात कर रहा हूं, आपको ये नहीं लगा कि सामूहिक हिंदुओं का सामूहिक दाह संस्कार होना चाहिए? कोई मंत्र पढ़ने वाला होना चाहिए, कोई पंडित या पंडा खड़ा होकर? आप तो अपनी माँ की मृत्यु पर बाल भी नहीं उड़ाते, सीधे उठते हैं कंधा देके और सीधे चले आते हैं, मंत्रालय में बैठते हैं, सूतक लगता है। हम आपको सलाह इसलिए दे रहे हैं कि हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप कुछ नहीं जानते हैं इस विषय में। हिंदुत्व का नाटक किया आपने खाली 10 साल, और उसके पहले भी नहीं, तो अपनी माँ की मृत्यु पर आपको बाल तो कम से कम कराने चाहिए थे, नहाना तो चाहिए, सूतक तो आपको मानना चाहिए 13 दिन नहीं 4 दिन। तो जब आप अपनी माँ का सूतक नहीं मानते हो, तो आप वो मरे हुए लोगों का, जो हिंदू मर रहे जिनकी लाशें जो हैं हो रही थी, जल रही थी उस समय, क्या आपका सारा सिस्टम फेल हुआ, आपका हिंदुत्व कहाँ गया था? हम बता रहे हैं मोदी जी, आपका हिंदुत्व कहाँ गया था? आपका हिंदुत्व गया था सीरम कंपनी जो वैक्सीन बनाती है, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के मालिक पूनावाला के पास आपका हिंदुत्व चला गया था। आप उसके उसके पास चले गए थे, उससे मिलने का आपने समय दे। 18 अगस्त को उनके मालिक ने जो है 52 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बांड खरीद, बोलिए 52 करोड़ का इलेक्टोरल बांड खरीदा, और 22 अगस्त को वो पीएम से मिले, मोदी जी से, और उसके बाद उनको पूरे देश में वैक्सीन का ठेका, वैक्सीन बनाने का ठेका दे दिया गया। और भी कंपनियां हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, मगर वो अब 52 करोड़ की घूस तो दे ही चुके ना वो, ये इलेक्टोरल बांड नहीं है, घूस है। अब ये घूस दी गई और उन्हें हजारों सैकड़ों करोड़ का सीरम वैक्सीन बनाने का सीरम कंपनी के मालिक को पूनावाला ने उनको दे दिया ठेका। तो ये है आपकी लाशें जलने को जगह नहीं मिल रही है, आप जो है पूनावाला को आप ठेका दे रहे हैं घूस लेकर। दूसरा ऐसा ही यशोदा अस्पताल के साथ हुआ। इस अस्पताल पे एक आरोप लगा कि आपने कोरोना में जनता से अवैध वसूली की, कुछ डॉक्टरों पे आरोप लगा कि आपने, और कुछ सही भी से सामने आए सिद्ध हुए, कुछ अस्पतालों ने जबरदस्ती रखा था अपने को। मुझे याद है मेरे यहाँ बंबई में एक साहब गए, उनको उस अस्पताल में एडमिट कर लिया और कहने आपको आप कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, आपको यहाँ 15-20 दिन रुकना पड़ेगा, और रोज वहां का करीब 50,000 का खर्चा है। अब वो कमिश्नर थे इनकम टैक्स में, तो उनका परिचय तो उन्होंने उस समय कोई ले, उन्होंने कहा हाँ एडमिट हो जाइए, और जब डॉक्टर आए उन्होंने पूछा कि आपको अभी रुकना पड़ेगा 10-15 दिन, तो उन्होंने कहा ठीक है, कहें आप क्या करते हैं? कहें मैं इनकम टैक्स कमिश्नर हूँ। तो वो लोग गए और थोड़ी देर बाद उनको छोड़ दिया, कहें आपको कुछ नहीं है, हमने दोबारा इन्वेस्टिगेट किया आपकी रिपोर्ट। तो आप अगर तो कई डॉक्टरों ने बहुत जमकर धंधा किया, चलिए ये धंधा, लेकिन जिन्होंने धंधा किया, चलिए उन्होंने किया, वो भी प्रोफेशनल है, वकील भी तो है, हरी इसको क्यों नहीं वहां बोलते, हरीश सालवे आके कितने करोड़ लेके गया SBI से, उसका भी तो धंधा है। तो डॉक्टरों ने भी अपना धंधा किया, अपना बिजनेस किया, अपना काम किया, टैक्सेस दिए, अगर नहीं दिए तो गलत है। अब ईडी गई है सौदा अस्पताल में और वो बोला कि भैया अब आपको जेल भेजना पड़ेगा।
बिचारे वो गए, उन्होंने 162 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बांड लेके ले लिया और भाजपा ही को दिया। और क्या ईडी जाएगी तो कोई जो है वो और कहीं तो नहीं गया है, तो 162 करोड़ यशोदा अस्पताल का चला। मैं एक और भावुक 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 भरा दृश्य आपको बता रहा हूँ। एक नवयुग कंपनी है, आप लोगों ने पिछले तमाम दिनों में पढ़ा होगा, मैंने मुझे तो याद है, मैंने उस पर लिखा भी था कि उत्तराखंड में एक जो टनल है वो धस गई, उसमें 41 मजदूर फंस गए। वो 41 मजदूर फंसे रहे और कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी वहां के इंजीनियर और ये और सब। वो जो कंपनी थी उस कंपनी उसका नाम था नवयुग कंपनी, नवयुग कंपनी नाम था। और नवयुग कंपनी के बाद न कोई इंजीनियर थे, न कोई थे, न कुछ थे, और जो थे वो निकाल ही नहीं पा रहे थे। तभी वहां एक मुस्लिम लड़का आया, अरे वाह मैं सलूट करता हूं तुम जहां भी हो। तो उसने वो अपने 2-3 दोस्तों के साथ आया, उसने पूरे के पूरे 41 लोगों को घुस घुस के निकाल के लाया। वो कंपनी, उस कंपनी का क्या हुआ, उस कंपनी ने बाद में 90 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बांड लिया, वाह वाह चुनावी चंदा दिया, जय श्री राम। बोलिए था ये कितने इमोशनल बातें हैं अखिलेश यादव, ये कितनी इमोशनल बातें हैं। हरीश रावत जी उत्तराखंड में जाके बोलो, क्या बैठे हैं आप जाके उत्तराखंड की 5 सीटों पर हमला बोलिए कि वो जो नवयुग कंपनी ने 90 करोड़ दिया था, तब उसको ये ठेका और ये ठेका मिला था और 41 मजदूर फंसे, उसको कोई सजा वजा नहीं, उसको कोई और ठेका मिल गया। जीतू पटवारी जाओ उज्जैन और जाके बोलो कि जो भगवान शिव की मूर्ति जो है हवा के झोंके से गिरी, किससे बनी थी, कागज से बनी थी, कैसे हिंदुत्व के ठेकेदारों की सरकार है। और जाके पूछो, वो गुजरात का ठेकेदार है मूर्ति बनाने और पूरा वो लिया था, जाके उसके खिलाफ बात करो। हालांकि उसका नाम इसमें है कि नहीं, ये 1-2 दिन में समझ में आएगा, समझ में मोरबी पुल का भी आएगा। देखिए याद आ गया, मोरबी पुल में वाह वाह वाह, मोरबी पुल में वो अजंता घड़ी वाला है, उसने उसको घड़ी बनाता था, उसको मोरबी पुल का गुजरात में ठेका दे दिया। और मोरबी पुल में वो कुछ ही दिन में टूट गया। अब उसमें जांच आई, जांच में क्या रिपोर्ट आई सुनिए आप, बड़ा ताजुब होगा। जांच में आई कि वो जो लोग चढ़े थे पुल में उनकी गलती से टूट गया, मतलब हम सड़क पे चल रहे हैं तो सड़क मेरी गलती से धसेगी। तो ये तो है, दे दिया, मोदी जी की कराज्य है, उन्होंने एक बार रिपोर्ट बना के दे दिया तो दे दिया। 146 लोगों को संसद से बाहर कर दिया। राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली तो छीन ली, वो निशिकांत दुबे ने कहा तो महुआ की सदस्यता छीन ली। अब हरा के दिखाओ उसको, जाइए नरेंद्र मोदी उसके चुनाव क्षेत्र, चुनौती है निशिकांत दुबे को भी भेजो। संजय सिंह को आपने जेल में डाल रखा है, अडानी के खिलाफ जो बोल दे उसको आप जेल में डाल दे। अब ये आपका सही मुद्दा मिल गया, अब आप जाइए, अब संसद का कोई सत्र है कि नहीं है बुला लीजिए, आप तो 1-2 दिन के लिए बुला लेते हैं। अरविंद केजरीवाल को जब आपको गाली देनी होती है तो वो 1 दिन का सत्र बुला लेता है, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक नियम है कि अगर हम सदन के अंदर कुछ बोलते हैं तो उसका जो है कोई भी वो नहीं होता, उस पर कोई केस वेस नहीं होता। तो चलिए अभी नवयुग कंपनी का ये हो गया 90 करोड़ का, है ना। अब दूसरा एक और आपको बताते हैं, हालांकि मैं इनको देखा हूँ, मिल चुका हूँ दिल्ली में, एक बार देखा था कि ये इनका नाम है मार्टिन, इनके जो पीए वगैरह सब मैं जानता हूँ, चेन्नई में एक्चुअल रहते हैं, लोग केरल बता रहे हैं, चेन्नई में पहले तहमत पहनते थे लुंगी, अभी तो मैंने उनका चित्र दूसरे उसमें देखा है, मेरा कोई उनसे रिश्ता नहीं है और होता भी तो मैं बताता, लेकिन वो लॉटरी का धंधा करते रहे। अब लॉटरी का धंधा बहुत जगह बैन है हिंदुस्तान में, मगर मार्टिन साहब करते रहे। तो इन्होंने
2 अप्रैल को 368 करोड़ रुपया ईडी ने इनका सीज कर लिया। अभी ईडी का ये बड़ा नाटक है, अभी उसका जगन रेड्डी का भी सीज किए बैठे। मायावती क्यों चुपचाप बैठी हैं भैया, उनका भी 400 या कुछ करोड़ रुपया ईडी ने सीज कर दिया। ईडी सीज करती है और सीज करके बैठ जाती है। अब मायावती भी बिचारी बैठ गई, वो आई नहीं रही इंडिया एयरलाइंस में, अब देखो क्या होता है। तो अभी वो मार्टिन ने 5 दिन के बाद 100 करोड़ रुपए का जाके इलेक्टर बॉन्ड खरीदे, यानी 100 करोड़ रुपए का चंदा है ना। अब ईडी फाइल बंद, जय श्री राम, ईडी फाइल बंद। इनका बेटा भाजपा का, मेरी टेक्निकल टीम जो है अभी दिखाएगी आपको, उनका बेटा जो है वो पहने हुए है हाँ, उनका बेटा जो है भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहने हुए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी की के पदाधिकारी ने 100 करोड़ रुपए का बांड खरीदा और जो 368 करोड़ रुपए सीज किए गए थे उनको बचाया है ना, और निर्मला सीताराम के पास, सीतारमण के साथ भी उनकी अक्सर मीटिंग हुई है हमारी, फिर उनके साथ ये देखिए सामने आपके है निर्मला सीतारमण है और वही मार्टिन की फोटो, लॉटरी किंग मार्टिन का फोटो है। इनकी कंपनी के नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस। तो ये सारी चीजें हैं, इसी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मेधा इंजीनियरिंग को 14,000, सबसे बड़ा 14,400 करोड़। अच्छा इसमें एक बड़ी चीज है, नितिन गडकरी को बड़ा ईमानदार, इंडिया एयरलाइंस भी बड़ा ईमानदार घोषित करता है। अब जैसे एक बार मुझे याद है नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग में बोला था मेहुल भाई, मेहुल चौकसी का, उसके बाद मेहुल चौकसी इतने 1,000 करोड़ रुपए के चला गया, आज तक आया ही नहीं। उसी तरीके से नितिन गडकरी ने संसद के अंदर बोल दिया मेधा इंजीनियरिंग बड़ी अच्छी कंपनी है और उसको 14,400 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया। किसने दिया? मतलब मोदी सरकार। अब उसकी प्रशंसा सदन में करने की क्या जरूरत है यार। अब सदन के अंदर अब यह होगा कि बिजनेसमैनों की तारीफ करेंगे नेता लोग, मंत्री लोग, खैर करिए। तो उसने क्या किया था, 966 करोड़ का चंदा दिया इलेक्टोरल बाउंड, तो उसे 14,400 का करोड़ का ठेका मिला। चलिए आखिरी मुद्दे पर हम आ रहे हैं, क्योंकि मैं ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, अभी राहुल गांधी कुछ बोल रहे होंगे कि पुलवामा पर जो हमला हुआ था बड़ा दुख दर्द है। आज तक पुलवामा में वो आरडीएस कहां से आया 250 किलो, वो आज तक पता नहीं, क्यों नहीं पता हो पाया, ये कौन उठाएगा। तो पुलवामा पर जब हमला हुआ और उसमें हमारे 41 जवान मार दिए गए, तब पाकिस्तान की एक कंपनी हब पावर ने इलेक्टोरल बांड खरीद के भारत को चंदा, भारत को क्या चंदा दिया, भारतीय जनता पार्टी को चंदा। ये अभी आ जाएगा सारा, एक मंडे को सारी चीजें क्लियर हो। तो ये फिर इंडिया एयरलाइंस को मैं ला रहा हूं कि इंडिया एयरलाइंस आप लोग उठिए, अपने घरों से, अपने ऑफिसों से निकलिए। आपको क्या करना है मैं अभी वो भी आपको सलाह देना चाहता हूं। आज क्या है, ट्विटर भरा हुआ है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए क्या गलत सलत शब्द है, मैं उसे बार बार दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं जो नेहरू को गाली देते हैं, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं जो कहते हैं एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं देश के प्रधानमंत्री को वो गालियां दूं जो गालियां, मतलब उन गालियों को दोहराऊं, सॉरी मैं क्या दूंगा, वो गालियां जो उनको ट्विटर पर ट्रेंड की जा रही, ट्विटर पर दी जा रही, लाख कोशिश के बावजूद लोग गालियां दे रहे हैं। अमित मालवी जो इनका आईटी सेल का है, उसने बहुत कोशिश की, उसका जवाब देने की कोशिश की ये करने, मगर कोई मान ही नहीं रहा, तो उस पर चल रही। तो देश में भाजपा के मोदी के खिलाफ एक वातावरण बन चुका है। अब इंडिया एलायंस
उसे क्यों नहीं करेगी? मुझे लग रहा है कि आज से शुरू होगा, कल से शुरू होगा, और ये चुनाव इलेक्टोरल बॉन्ड के साए में होगा और नरेंद्र मोदी 100 से नीचे जाएंगे। ये आज मेरी बात बिल्कुल नोट कर ली जाए, क्योंकि सोमवार को भी कुछ ये इलेक्टोरल। मैं थोड़ा सा और बोलना चाहता हूँ अपने अपने वंश को, अपने गोत्र के लोगों को, हालांकि मैं मानता नहीं हूं वंश का गोत्र। मीडिया की जलेबी बाइयां, अरे वाह, जलेबी बाइयां एक बड़ा अच्छा शब्द है ना, गाना भी आया था इसमें को, जलेबी बाई, तो ये बुरा शब्द नहीं है, मतलब यही है कि इतना उलझा हुआ। अब अंजना ओम कश्यप जलेबी बाई, जलेबी बाई चित्रा त्रिपाठी, जलेबी बाई रूबिका लियाकर, जलेबी बाई श्वेता सिंह, जलेबी बाई स्मिता प्रकाश, ये तो हलवाई है, पूरी दुकान की मालकिन है, ये तो और मिठाई भी बनाती होंगी, ANI की हेड है, और जलेबी बाई नाविका कुमार। अब इनको मैंने वो नहीं कहा जो मैं अगले पत्रकारों को कहने जा रहा हूँ। अगले पत्रकार हैं जिनमें कई मेरे परिचित भी, मैंने बताया था कि महाराष्ट्र में भाड़े से काम करने वालों को भाड़ोत्तरी बोलते हैं। जैसे मैं अपने किसी फ्लैट में किसी को किराए पे रखूं, उसको बोलेंगे भाड़ोत्तरी। तो ये जो भाड़ोत्तरी पत्रकार है सुधांत सिन्हा, ये जो भाड़ोत्तरी पत्रकार है अमन चोपड़ा, ये जो भाड़ोत्तरी पत्रकार है सुधीर तिहाड़ी, ये जो भाड़ोत्तरी पत्रकार है गुल्लू अमित देवगन, ये भाड़ोत्तरी के पत्रकारों ने, इन्हें तो कुछ नहीं बोला, इन्होंने तो बोला ही नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम तक नहीं लिया। तो ये भाड़ोत्तरी पत्रकार इस देश में कुछ नहीं करने वाले हैं, इसलिए अब इंडिया अलायंस की जिम्मेदारी है कि वे उठे और ये पूरे के पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड में हुए घूसखोरी और घूस लेकर ठेका देना, ये सारी चीजें को आकर वो भारत की जनता से जोड़कर बताए कि अभी क्या है, ये सब सीट शेयरिंग में फंसे। मैंने देखा महाराष्ट्र में भी अभी सीट शेयरिंग प्रॉपरली नहीं हुई, हो गई है लगभग 90%, वैसे ही बिहार में भी नहीं हुई, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी सीट शेयरिंग हो गई है, लेकिन अभी मायावती का इंतजार हो रहा है, और फिर कुछ लोग कुछ नाम डिक्लेयर होने हैं, उन पर चर्चा चल रही, लेकिन ये चर्चा वर्चा की आप एक अखिलेश यादव कमेटी बना लो, आप राहुल गांधी एक कमेटी बना लो, आप जो है तेजस्वी एक कमेटी बनाओ, और आप फाइनल रिजल्ट लाओ कि भाई मेरे पास फाइनल दो, अभी मैं सिर्फ इलेक्टोरल बाउंड है मेरे जीवन में, राजनीतिक जीवन का सबसे प्रमुख मुद्दा इन लोगों के, अगर अब की इस मुद्दे को कैश नहीं किया तो आपकी नेतागिरी आप लोगों की बेकार है। वो छोटे से छोटे मुद्दे को विपक्ष कैश कर ले, जरा जरा सी मुद्दे में नरेंद्र मोदी रोने दे रहे, मुझे गाली दी गई। अब बताओ एक देश का प्रधानमंत्री है, उसको किसानों की लाशें 750 गिननी नहीं आती हैं, उसको अपनी गालियां गिनने आती, बोलते 90 गाली थी। अब बोलो अब कितनी दी जा रही है, ट्विटर में वो भी जोड़ लीजिए मोदी जी, किसानों के परिवार भी आपको हजारों लाखों गालियां दे रहे हैं। कोरोना में जो करीब 48 लाख लोग मरे, आप 4 लाख मानते हो, वो लोग के परिवार भी आपको ऑक्सीजन और वैक्सीन ना मिलने की वजह से आज तक गालियां दे रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, तो सीट शेयरिंग के लिए एक कमेटी बनानी चाहिए, सीट शेयरिंग उनका काम है, और फाइनल जो है नेता लोग करें, अध्यक्ष लोग, लेकिन अभी इन लोगों को आपको क्या करना चाहिए, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, मैं जरूर सलाह दूंगा, मैंने भी राजनीति को बड़ा करीब से देखता हूं और देख रहा हूं, पत्रकारों के जिंदगी का बहुत बड़ा सा बड़ा व्यवसाय है राजनीति। अब जैसे अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव तुरंत एक मेल जारी कर दें, वे कर रहे होंगे ऐसा, अब चूंकि वो अंडर प्रेशर होंगे टिकटों की शेयरिंग का, चुनाव का, चुनाव के फंड का, बहुत सारे, ऐसे में इस मुद्दे को उनके जो निकटतम व्यक्ति हैं उन्हें करना चाहिए कि पूरे जिलों में एक मेल जाए, आप खाली अखिलेश यादव नहीं, ये तेजस्वी यादव भी वो मेल करें, राहुल गांधी भी वो मेल करें, वो पूरे ममता बनर्जी भी वो मेल करें, और कल्पना सोरेन भी ऐसे मेल करें,
और वो दक्षिण में स्टालिन, उनका लड़का उदयनिधि, ये सब लोग अपनी जिला स्तर की, शहर स्तर की कमेटियों को एक मेल जाना चाहिए कि कल इनकम टैक्स कार्यालय, जो आपके शहर में, हर शहर में इनकम टैक्स कार्यालय, इनकम टैक्स कार्यालय में प्रदर्शन करो और बताओ कि चौकीदार ही चोर है, ये नारा लेके जाओ। ये चौकीदार चोर होने पे राहुल गांधी को काफी सजा दी गई थी, तो ये जाके इनकम टैक्स कार्यालय के आगे प्रदर्शन करें, क्योंकि फाइनेंस का ये है। और दूसरा, आप वहां के डीएम को ज्ञापन दें कि इलेक्टोरल बांड में गिरफ्तारियां की जाएं, जिनको 14,400 करोड़ का ठेका दे दिया गया, कुछ कुछ घूस, चुनावी चंदा लेके, चुनावी ईडी को भेजा गया चुनावी चंदा की वसूली के लिए। तो डीएम को एक ज्ञापन देना है। और इसके साथ ही इंडिया एलायंस के लोग, अभी जैसे वहां पर है, मैं उत्तर प्रदेश की ज्यादा बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ये लोग एक लखनऊ में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, अगर राहुल गांधी इस समय कर रहे हैं। हर प्रदेश में तेजस्वी यादव को चाहिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें अपने अलायंस पार्टनर को लेकर। उसी तरीके से यहाँ उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लेकिन इनकी जो लोकल स्तर की कमेटियां हैं, जिनको आपने मेल किया कि आप तुरंत झंडा बैनर लेके इनकम टैक्स और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जाकर लगातार 3-4 दिन प्रदर्शन करो, यहाँ वातावरण बनाना है। पूरे दुनिया का, आप पूरे दुनिया के अखबारों में छप रहा है, केवल ट्विटर में ही नरेंद्र मोदी के लिए नहीं आ रहा है कि चौकीदार चोर है, चौकीदार ही चोर है, ये पूरे विदेश के अखबारों में भी छप रहा है कि ईडी वीडी वे एजेंसीज भेज कर चुनाव के लिए चंदा वसूली और घूसखोरी। और जिला स्तर के आपके जो ईमेल हैं, उनमें ये ऑर्डर भी होना चाहिए कि हर जिले की एक सोशल मीडिया टीम बन चुकी है, वो समाजवादी पार्टी की भी है, वो कांग्रेस की भी है, वो दूसरों की भी है और तेजस्वी की भी है। वो जिला स्तर की कमेटियों को एक निर्देश दो कि रोज आपको जो है ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर, इन सारे उसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको बताना है कि चौकीदार ही चोर है, संदर्भ इलेक्ट्रल बॉन्ड, चुनावी चंदा। तो मित्रों, मैं आज का जो मेरा वो था, मेरा इसलिए था कि आपको मैं बताना चाहता था कि ये एक बड़ा मौका है। मैं भ्रष्टाचार को तो वैसे बहुत सारे लोग हैं, क्या किनका नाम ले लूं, पीरामल भी है ना, भारतीय एयरटेल भी है, और डीएलएफ भी है, वेदांता लिमिटेड है, वेदांता लिमिटेड वही है जिसका लेकर चले गए गुजरात नरेंद्र मोदी, अपोलो टायर्स है, लक्ष्मी मित्तल है ना, जान जाने कितने लोग हैं, है ना, उनको उन्होंने सबने चुनाव फंड दिया हुआ है, और बाकी लोगों जिनसे दबाव डाल कर लिया गया है, वो बहुत अपराध है। और हम लोगों को जाकर, हम लोगों को आपको ये बताना है। फिर अंत में इंडिया एलायंस के विपक्षी दलों को, इन सबको ये बताना है, इसमें केसीआर भी शामिल हो, आप इंडिया एलायंस में नहीं हो लेकिन आप हो, आप विपक्ष हो, आप भाजपा के खिलाफ हो, नवीन पटनायक को भी चाहिए, जगन रेड्डी को भी चाहिए कि वे अपनी यूनिट्स को मोहल्ले वाइज, शहर वाइज ऑर्डर करें कि इनकम टैक्स और डीएम के ऑफिस में प्रदर्शन करें और टुकड़ियों में जुलूस निकालें, चौकीदार ही चोर है या नरेंद्र मोदी कौन बात टाटा टा, ये सब करते हुए आप लोग जुलूस निकालें, देश में वातावरण बनाएं। आरएसएस ने बनाया था बोफोर्स में राजीव गांधी के खिलाफ, मुझे याद है। तो आप क्यों, आप सीट शेयरिंग में कितना समय दे रहे हैं, आप रात में 2 घंटे दीजिए, अपनी यूनिट से करवाएं, बाकी वो करेंगे। तो मैं अपने एंड पर आ गया हूँ, अपने इसको वीडियो को अंत में ये कहना चाहता हूँ कि पूरे दुनिया का एक एक ऐसा भ्रष्टाचार बड़ा यूनिक है कि आपने जो है चुनाव चंदा लिया तो पिस्तौल लगा के लिया, पिस्तौल मतलब ईडी की पिस्तौल लगा के, आपने ठेका दिया तो ईडी ईडी में ईडी के हिसाब से आपने पहले पैसा ले लिया,
आप डायरेक्ट पैसा नहीं। अच्छा हाँ, अंत में ये मैं आपसे विदा लेने के पहले एक बात और है जो मैं जिसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया ये जो आपका 15-16 करोड़ रुपया है, 15-16 हजार करोड़ रुपया जो आपको मिला है, ये तो डायरेक्ट मिल गया 966 करोड़ रुपया। अब वो जो आपका ये है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल, 368 करोड़ दिया है ना इलेक्ट्रिकल बांड का, लेकिन मेज के नीचे भी दिया है कुछ, वो भी पता लगाना है। जिन्हों जिन्होंने इलेक्ट्रिकल बांड खरीदे हैं वो तो डायरेक्ट घूस है, वो तो विजुअल है, वो तो बैंक में जा रहा है, इन सबको पता है, इन सबके पास ये है। तो मान लो इनको 1000 करोड़ देना है तो 368 करोड़ दे दिया मार्टिन ने फ्यूचर गेमिंग वाले, बाकी का पैसा अंडर द टेबल दे दिया। तो वो पैसा कहाँ है? वो पैसे को भी इलेक्शन कमीशन और इन सब की जिम्मेदारी है, हालांकि ईडी उनके लिए तो काम करेगी नहीं कि जिन्होंने अंडर द टेबल लिया, कायदे से काम करना चाहिए। अब अगली सरकार आएगी 2 महीने बाद, तब ये तय होगा कि जो अंडर द टेबल लिया गया है इलेक्टोरल बांड का नगद लिया गया है वो कितना था, तब लोग सामने आएंगे। और तब दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी के काल का, वैसे तो अडानी का भी है और भी बहुत सारे का है, लेकिन इस भ्रष्टाचार को, और हमारा आज का वीडियो समर्पित है इंडिया एलायंस के नेताओं को कि कृपया, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, तो मैंने आपको सलाह दिया कि अभी देश में वातावरण बनाना है, आपको एक एक लोगों से जाके जुड़ना है, छोटी छोटी टुकड़ियों में बोलना है, चौकीदार चोर है, और जाकर पूरे देश में एक अलग जगाइए। और इससे बड़ा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। इमरजेंसी में जयप्रकाश नारायण का पोस्टर, मैं छोटा था बहुत, मुझे याद है जयप्रकाश नारायण का एक ही नारा था, आजाद रहने का आखिरी मौका। तो आज वो नारा इंडिया अलायंस, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और आपका सोरेन और ये सारे लोगों के लिए है कि आप ये समझ लें कि आजाद रहने का आखिरी मौका है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से अभिलाष अवस्थी आपसे विदा लेता हूँ। नम अभिलाष अवस्थी के प्रणाम। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।